देखिए, 4 मार्च को थाना छजलैट के मथाना गांव में एक दंपति की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा SPRA और क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल उनके बेटे के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए और उस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए CO कांट के नेतृत्व में थाने की और SOG सर्विलांस की हमारी टीमें लगा दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों व्यक्तियों की हत्या स्ट्रैंगुलेशन के कारण आई थी और इसके बाद हमारी टीमों ने मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा आज इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त और 2 साजिशकर्ता, कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी अपराधियों ने इस पूरी घटना को इक्वाल करते हुए और उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त जो गमछा था जिससे गला दबाया गया था वो बरामद कर लिया गया है और पैसे जो है जो दिए गए थे वो बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक जो दोनों हैं दंपति, उनके बड़े बेटे ब्रजपाल और उनकी पत्नी ने, चूँकि उन्हें ज़मीन उनके हिस्से में जो आनी थी उसको बेचना था और इस कारण से उसने अपने माता पिता के हत्या की सुपारी जो है अपने ही गांव के बगल के रहने वाले गोलू और उसके साथियों को 4 लाख में तय की थी, 50,000 रुपया एडवांस में दिया था और इस घटना को उस दिन कारित किया था। इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी और प्रभावी पैरवी कर इन सभी लोगों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। देखिए, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक अभियुक्त राजेंद्र, जो थाना कांट का हिस्ट्री शीटर भी है और उस पर तकरीबन 18-19 मुकदमे हैं। वीरू जो दूसरा अपराधी है उस पर भी कुछ पूर्व के मुकदमे हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।